बिहार के किसी भी कार्यालय से संबंधित शिकायत या किसी कर्मचारी पदाधिकारी या किसी लोक सेवक की शिकायत आप बिहार लोक सेवा से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के तहत अनुमंडल स्तर की शिकायत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय एवं जिला स्तर से संबंधित शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में की जा सकती है। किसी भी कार्यालय में किसी नकल लेना हो या किसी रसीद से संबंधित कोई शिकायत हो या कोई अन्य समस्या हो जैसे राशन कार्ड की समस्या, नाम जुड़वाने की समस्या या कोई अन्य कार्य करने में विलंब पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, तो आप बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के तहत अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी एवं जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विभाग के उच्च वरीय पदाधिकारी की भी शिकायत होती है। यदि कोई शिकायत फोन के द्वारा करते हैं तो उसके लिए बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम पटना का एक कॉल सेंटर का नंबर दिया गया है जो मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ, जिसका नंबर है 1800-345-6284। इसे मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 1800-345-6284। इस पर कॉल करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और शिकायत के बिंदुओं को क्रमवार बताकर इसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायत संख्या मोबाइल में मैसेज के रूप में प्राप्त होगा, जिसका स्टेटस आप इसी नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं या ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं। अगर कोई शिकायत डाक के द्वारा करना चाहते हैं तो वो डाक के द्वारा भी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के नाम से आवेदन लिखकर अपना नाम, पता और जिस पदाधिकारी या कार्यालय से संबंधित शिकायत हो उसका नाम, पता एवं पदनाम भरकर उसे रजिस्ट्री डाक द्वारा भेज सकते हैं। यदि कोई ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है, जिसका बिहार लोक शिकायत .in पर खोलकर इसका आवेदन किया जा सकता है। इसमें 60 दिनों के अंदर वाद का निवारण करने का नियमावली में वर्णन है। यदि 60 दिन के अंदर वाद का निपटारा नहीं किया जा सकता है या आदेश से कोई असंतुष्ट है तो वह प्रथम अपीलीय, द्वितीय अपीलीय या पुनरीक्षण भी कर सकते हैं, जिसके लिए उसी कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा या आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। इसका लाभ हम सभी बिहारवासियों को अवश्य लेना चाहिए। इस अधिकार अधिनियम के तहत कोर्ट के नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और दोषी पर सख्त सख्त कार्रवाई किया जा सकता है। उसे विलंब शुल्क भी भरना पड़ सकता है या दोषी पदाधिकारी के को विभागीय कार्रवाई भी करवाया जा सकता है। इसके लिए साक्ष्य के रूप में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स या वीडियो या कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध हो तो उसे आप रख सकते हैं। हम सभी बिहारवासियों को इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए, जिससे पदाधिकारी के अंदर कुछ डर भय हो और सो समय कार्य
वो कर सकें। जो पदाधिकारी अनावश्यक रूप से जनता को परेशान करते हैं उसकी शिकायत हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। इसमें आप सामूहिक रूप से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर मामला एक ही कार्यालय से संबंधित हो तो 2, 4, 5, 8, 10 व्यक्ति भी मिलकर सामूहिक शिकायत कर सकते हैं। जैसे राशन कार्ड की समस्या हो या राशन पानी की समस्या हो या कोई लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत कोई सेवा प्रदत्त करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है या कोई अन्य शिकायत हो, इसकी शिकायत आप लोग अवश्य कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः टोल फ्री नंबर को दोहराना चाहता हूं। जो व्यक्ति नोट कर लिखना चाहते हैं वो कृपया कर लिख लें, 1-800-345-6284। इस पर आप कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। धन्यवाद।